है। देखो भाई, खाने में है पराठे हैं, साथ में दही है और छोले हैं। अभी सुबह सुबह आप लोग चमियाला गांव के नज़ारे देखो भाई, कितने खूबसूरत आ रहे हैं। कल शाम को आपको पता होगा सुजान भाई की गाड़ी खराब हो गई थी और उसमें जो टाइमिंग चेन है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से हमको चमियाला गांव में ही रुकना पड़ा। कि भाई वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के चमियाला गांव से। यहां से ठीक नीचे देखिए जी, चमियाला गांव के ये खूबसूरत से खेत, बड़े बड़े खेत हैं भाई। और इन खेतों में यहां पर देखो मंडवा हो गया, बाकी धान वगैरह बोया हुआ है। गांव के ठीक नीचे साइड देखो भाई, यहां पर एक नदी भी बहती है और नदी के ऊपर देखो आजकल रोड कटिंग का काम चल रहा है। बाकी बहुत ही प्यारी लोकेशन पर ये गाँव है भाई। और अब देखते हैं, जैसे ही गाड़ी ठीक होगी तो फिर हमको यहाँ से आज उत्तरकाशी रैथल गाँव के लिए भी जाना है। तो देखते हैं भाई क्या कुछ हो पाता है। कल रात को हम लोग इस जगह पर रुके थे। आज ना वीडियो एडिटिंग करते करते लगभग 11 बज गई है। तो चलिए जी, अपना नाश्ता बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर हरी सब्जी है, बाकी रोटियां हैं। तो चलिए, नाश्ता भी हो गया है, बाकी अब पैक पैक कर ही देते हैं भाई। दिन के 1 बज गए हैं, बाकी हमारी भी तैयारी हो गई है भाई यहाँ से जाने की। कल हम लोग दगड़िया रेस्टोरेंट में रुके थे, बाकी यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। आज हमें सुजान भाई की गाड़ी यहीं पर रखनी पड़ेगी। यहाँ से जाएंगी भाई, एक आलोक भैया की गाड़ी हो गया और एक दीपक भैया की गाड़ी। आलोक भैया और कैलाश एक गाड़ी में जा रहे हैं। दीपक भैया हो गए, मैं हो गया और सुजान भैया, हम लोग जा रहे हैं एक गाड़ी से। कोई नहीं, ट्रिप पे ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। क्यों ब्रो? बिल्कुल बिल्कुल, आगे से एक और बाइक हो जाएगी हमारे पास। हाँ, अब सुजान भाई की गाड़ी पे ना काफी काम है भाई। 2-3 चीजें हमको मेन शोरूम से मंगानी पड़ रही है। बाकी हमने यहाँ मिस्त्री से बात कर दी है, तो वो अपने आप ही जो सामान है वो मंगा देंगे। बाकी जिस दिन हम लोग यहाँ पे आएंगे ना, मुझे लगता है उसके बाद ही गाड़ी ठीक होने वाली है। अब नॉर्मली में देखो गाड़ी कैसे लगती है और खोलने के बाद कैसे लगती है भाई, अंग भंग दिख रहे हैं उसके। खोलने के बाद कुछ अलग ही मॉडल दिखता है गाड़ी का। हाँ यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है। नई गाड़ी है। हमने भी ये गाड़ी ना बहुत चलाई है, हमें भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। रो नहीं रहे तुम? बस रो नहीं रहे। बोलते हैं ना, बड़े दुख की बड़ी हंसी। हम हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। सही बात, ये वाली कंडीशन होती है हमारी। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग नागेश्वर शहर में पहुंच गए हैं। यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, तो इसलिए गाड़ी गर्म न हो तो बीच में हमें रोकनी पड़ रही है। अभी हम लोग एक प्यारी सी लोकेशन पे हैं। बाकी यहाँ से सामने के नज़ारे देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत हैं। अब देखो भाई, लोग कैसी कैसी जगह पे बसे हुए हैं, सामने देखो आप। कार भाई साहब, बहुत बढ़िया। बस बढ़िया भाई साहब, स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, यहाँ तक आए उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आधे रास्ते तक यहाँ पर हमारे पहाड़ी भाई भी आए हैं, नहीं तो इस चढ़ाई पर गाड़ी की बुरी हालत हो गई थी। तभी बुरा लग रहा था मेरे तुम्हारी कोई बात नहीं, गाड़ी। साथ ही में घनसाली के दो भाई भी मिले हैं, ये भी उसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है, दयारा बुग्याल में। तो अब रास्ते के काफी मिल चुके हैं, अब साथ ही साथ चलते हैं। चलो, पहाड़ी भाई के आने से देखो भाई अब सही हो गया है। जहाँ हम लोग एक गाड़ी में 3 जा रहे थे, वहाँ पर अब सुजान भाई और पहाड़ी भाई एक गाड़ी में जा रहे हैं और अब काफी सही लग रहा है भाई। अब गाड़ी भी काफी हल्की लग रही है, क्यों राइडर भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे पहले इतनी खड़ी चढ़ाई थी, हालत खराब हो गई मेरे भी और गाड़ी ये बढ़ते हुए। देखो आप लोग, चढ़ाई कितनी भयंकर चढ़ाई है भाई। सोचो अभी हमने ना ठीक ऊपर में जाना है। अब रोड तो हमने भी देखे हैं, लेकिन गाड़ी के लिए इतनी खड़ी चढ़ाई पहली बार देख रहे भाई हम लोग। भाई साहब, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, एकदम पहाड़ी के टॉप पे पहुंचना है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग केमुंडा खाल में भी पहुंच गए हैं और इस जगह पे केमुंडा माता का मंदिर है, देख सकते हो आप लोग। जो चढ़ाई का रास्ता है वो कंप्लीट हो गया है, अब अंदर यहाँ से नीचे उतरना है भाई। बाकी यहाँ से आप लोग आगे के नज़ारे देखो, कितने प्यारे हैं भाई, बहुत ही गजब के नज़ारे। यहाँ पर से ना मुझे कुछ चीज दिखे हैं, ऊपर देखे हुए पुराने घर लोगों के छोड़े हुए,
तो ये देखिए साथी में से इस जगह पे देखिए भाई मस्त लहराते हुए धान के खेत, और यहाँ इतने अच्छे ढंग से धान हो रखा है ना, मुझे लगता है इस जगह रुपाई होती होगी, है ना, चौड़े चौड़े खेत है ना, रुपाई पक्का होती होगी। फिर यहाँ पे पानी के लिए भी ना नजदीकी है, आगे पे से गजरा भी निकल रहा है। यहाँ पर एक प्यारी सी लोकेशन पे है, और यहाँ से ना जो नीचे के खेत है ना बहुत ही गजब दिखाई दे रहे हैं। हमने देखो भाई एक गांव दिखाई दे रहा है जहाँ पर की पुराने टाइप के मकान भी है, यहीं से ठीक सामने पे देखिए भाई वहाँ पर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, वो देखिए ठीक ऊपर में भाई। घर से देखो भाई अभी हम लोग ना 178 किलोमीटर आए हैं, कितना बचा हुआ है और मेरा गाँव पूरा वहाँ तक जहाँ में जाना है, यहाँ से मेरा गांव है 15 किलोमीटर, हाँ। वहाँ से है 40 किलोमीटर उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से लगभग 30-35 किलोमीटर ऊपर रहता हूँ रैथल, और आज की डेस्टिनेशन हमारी रैथल गांव ही है, हमें पहुँचना है वहाँ, क्योंकि कल वहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है भाई, बाकी देखते हैं पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं। पहुँचेंगे भाई पहुँचेंगे, तभी तो निकले हैं, बी पॉजिटिव। चलिए जी अब इस खूबसूरत सी लोकेशन को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, बाकी अब निकलते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग धोत्री गांव में भी पहुंच गए हैं, और यहां से आप लोग धोत्री गांव के नज़ारे देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहां से नीचे है भाई पहाड़ी भाई पीलो चाय का घर, यहां ठीक नीचे पे। अभी हर गांव की सेम कंडीशन है भाई, जगह जगह टूट फूट होती रहती है। अब यहाँ नीचे देखिए भाई, यहाँ नीचे गाँव है, और ऊपर में देखो यहाँ पर ये पूरा टूटा हुआ है, यहाँ नीचे भी देखो, यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ से पूरा नीचे जा रहा मलबा। ब्रो वापिस आते हुए मिलते हैं, मैं तो सोच रहा कि चाय पी लेते हैं, अरे यार कोई नहीं, थोड़ा लंबा सफर है, वापसी आते हुए सब कुछ हो जाएगा, बुलाया मत करो यार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ से गंगोत्री है 135 किलोमीटर, उत्तरकाशी है 35 किलोमीटर। जी फाइनली आगे बढ़ते हुए हम लोग चौरंगी खाल में भी पहुंच गए हैं, ये सबसे टॉप वाली जगह है। अब इसके बाद हमको उतरना है भाई नीचे, टाइम भी लगभग 5:04 हो गए हैं। सुबह के टाइम पे हम लोगों ने नाश्ता किया था, उसके बाद रास्ते भर कहीं रुके नहीं हम लोग। चले जी अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर भी दे दिया है, हमारे पराठे बन रहे हैं, तो अभी पराठे खाएंगे फिर यहाँ से अपना सफर आएगा शुरू करेंगे। तो चलिए जी अभी अपना खाना भी आ गया है, देखो भाई खाने में है पराठे हैं, साथ में दही है और छोले हैं, बाकी मस्त से खाना खाते हैं भाई और फिर निकलते हैं आगे के लिए। और अब यहाँ चौरंगी खाल से सीधे डाउन है उत्तरकाशी तक डाउन है पूरा। हाँ चलिए जी खाना भी हम लोगों ने खा दिया है, बाकी अब निकलते हैं अब आगे की तरफ। देखो भाई इतने पास से गरुड़ मैंने पहली बार देखा है। अब नीचे और ऊपर साइड देखो भाई पूरे चीड़ के जंगल है, और जंगल के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत ही गजब का माहौल है भाई। ये देखिए जी यहाँ पे बोर्ड है जहाँ से यमुनोत्री 142 और गंगोत्री है 117 किलोमीटर। आगे बढ़ते हुए देखिए जी बहुत ही प्यारे प्यारे नजारे देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग ग्राम साड़ा में भी पहुँच गए हैं, अब ये खाना खाने के बाद हमारा पहला रेस्ट है। यहाँ पर से सामने के नज़ारे देखो भाई बहुत ही गजब के आ रहे हैं, बादलों के बीच से सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं भाई, ये देखिए। और इस जगह पर से उत्तरकाशी है भाई लगभग 10 किलोमीटर, बाकी अभी काफी है, और उसके बाद वहाँ से हाँ रैथल गांव में जाना है, वो वहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर है। ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से कि सामने उत्तरकाशी शहर भी दिखने लग गया है। ओ भाई साहब, अब देखो भाई यहाँ से रैथल है 20 किलोमीटर, और बाकी यहाँ देखो रोड के नीचे साइड यहाँ पर डैम से ना भयंकर पानी आ रहा है। चलिए जी टाइम भी 8:40 हो गए हैं, और हम लोग भी रैथल विलेज में पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर कमरा वगैरह करते हैं। घर से देखिए जी 276 किलोमीटर पार करने के बाद फाइनली हम लोग रैथल विलेज में भी पहुँच गए हैं, जो कि हमारे आज की लास्ट डेस्टिनेशन थी, और कल हमारा यहाँ से मेन अपना ट्रैक होने वाला है, जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं दयारा बुग्याल के लिए। कि ये रहा जी अपना कमरा, हमने यहाँ पे दो कमरे किए हैं, एक कमरा यहाँ पर है और एक ठीक बाहर इस जगह। जी अपना खाना बन के भी रेडी हो गया है, रात के खाने में है रोटी हो गया, दही राजमा की दाल है, पनीर है, सारे साथी लगे हुए हैं खाना खाने पे। इसमें मंचूरियन आ रहा है,